ये 1952 का साल है और नज़ारा है जयपुर का। उन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। व्यास अपने खास नेता मित्र माणिक्यलाल वर्मा, मथुरा दास माथुर और रामकरण जोशी के साथ बैठे हिसाब किताब ले रहे थे। किस बात का? दरअसल 1952 में देश में पहले चुनाव हुए थे, लोकसभा के भी और राज्यों के लिए विधानसभा के भी। उसी के नतीजे आ रहे थे। पहले चुनाव थे इसलिए नतीजे आने में भी कई दिन लग रहे थे और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी कांग्रेस की परफॉर्मेंस का इसीलिए हिसाब किताब ले रहे थे। व्यास सिटिंग सीएम थे और इन चुनावों में खुद दो जगहों से लड़े थे। एक सीट थी जालौर ए और दूसरी जोधपुर शहर बी। व्यास अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, तभी उनके सचिव आए और बोले, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी ये कि पार्टी 160 में से 82 सीटों पर चुनाव जीत गई है। बुरी ये कि व्यास जी, आप दोनों जगह से चुनाव हार गए हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहां बैठे लोगों के लिए कांग्रेस की जीत से ज्यादा व्यास की हार का दुख था, क्योंकि साल भर पहले इन्हीं लोगों ने, इसी कैंप ने हीरालाल शास्त्री को हटवाकर जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनवाया था। अब व्यास के साथ साथ उनका करियर भी खतरे में आ गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। वो कहते हैं ना, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जय नारायण व्यास की। मार्च 1919 की शाम, सदर बाजार दिल्ली, कुछ लड़के खाना खा रहे थे। इनमें से एक था जय नारायण, जोधपुर का रहने वाला। पढ़ाई के वास्ते पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तब पीयू का एग्जाम सेंटर दिल्ली में भी हुआ करता था, उसी के वास्ते एग्जाम देने के लिए सब आए थे। पहला कौर तोड़ते ही बाजार में शोर मचा, चांदनी चौक में गोली चल गई। बात सही थी, पुलिस और क्रांतिकारियों के एक ग्रुप के बीच टकराव हुआ था जिसमें कई शहीद हुए थे। व्यास जब मौके पर पहुंचे तो देखा, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ इस फायरिंग का विरोध करती हजारों की भीड़, जिसके आगे स्वामी श्रद्धानंद और हकीम अजमल खान थे, पुलिस को ललकारते। अब पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस नजारे ने व्यास को बदल दिया। अब वो क्रांतिकारियों के साथी थे और मास्टर जी भी। ये मास्टर क्यों? क्योंकि खर्चा चलाने के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे और फिर दिल्ली में इसी नाम से मशहूर हो गए। दिल्ली के बाद व्यास जोधपुर लौटे। साल था 1921 और मकसद था स्वामी श्रद्धानंद के काम को आगे बढ़ाना। स्वामी विजय नाम का अखबार निकालते थे। इसके प्रचार प्रसार के लिए जय नारायण ने किताबों और अखबारों की दुकान खोल ली। फिर यहाँ नौजवानों का मजमा लगने लगा, आज़ादी पर बात होने लगी। राजा तक खबर पहुंची, दुकान बंद करवा दी गई। इसके लिए उसने 1909 के अपने ही बनाए एक कानून का इस्तेमाल किया। क्या कानून? कि राज्य में कोई अखबार नहीं पढ़ सकता मेरे हुक्म के बिना। एक और अफलातूनी फरमान था कि कोई टाइपराइटर नहीं खरीद सकता मेरी परमिशन के बिना। राजा और व्यास का झंझट दुकान बंद होने पर खत्म नहीं हुआ। इसे संदर्भ के तौर पर याद रखिएगा। जोधपुर राज्य में किसानों पर कड़े प्रतिबंध लाद दिए गए। इसके खिलाफ मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आंदोलन किया। इस सभा को आप कांग्रेस का जोधपुर रियासत का संस्करण समझ लें। व्यास इसके महासचिव थे। आंदोलन को कुचलने के लिए राजा आतुर था। उसकी सरकार ने जय नारायण व्यास और कई दूसरे नेताओं को 10 नंबरी घोषित कर दिया। ये 10 नंबरी क्या होता है? सुना तो खूब होगा। 10 नंबरी मतलब थानों में एक 10 नंबर का रजिस्टर खोला जाता था। इस रजिस्टर में जिनका नाम दर्ज होता उन पर पुलिस नजर रखती। इन्हें कहीं भी आने जाने से पहले थाने में सूचित भी करना पड़ता। तो व्यास थाने में हाजिरी भरने लगे, फिर अपने क्रांति के काम में भी जुट जाते।
कभी लोगों से बात करते तो कभी कविता लिखते। ये उदाहरण देखिए व्यास की लिखी एक मारवाड़ी कविता। मोने एड़ो दी जो राज महाराजा जी, गांव गांव में पंच जुड़ी जाए, करे राज से काज, पंचा मायसु बड़े मिनिस्टर, पंच चलावे राजा महाराज राजा जी। मतलब ऐसा राज हो राजा जी जिसमें गांव गांव में पंच चुने जाएं, जो राजकाज चलाएं, इन्हीं में से मंत्री बने और यही पंच राजा को भी चलाएं। ये पंच अंग्रेजी वाला राजा के लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सही मौके की तलाश कर रहे थे। उधर व्यास कविता के अलावा अखबारों में लगातार लेख लिख रहे थे जो जोधपुर के बाहर प्रकाशित हो रहे थे। फिर आया वो मौका जिसका राजशाही को इंतजार था। साल था 1927। इस साल कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ। एक बड़ा फैसला लिया गया कि जहां अंग्रेजों का सीधा शासन वहां तो कांग्रेस है, मगर जहां रियासतें हैं वहां भी प्रजातंत्र के लिए आंदोलन हो और वहां कांग्रेस का नाम प्रजामंडल रखा जाए, राजशाही के समानांतर एक लोकसत्ता खड़ी की जाए। अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि रियासतों से आने वाले कांग्रेस सदस्य वापस जाकर प्रजामंडल की गतिविधियां शुरू करें। जाहिर सी बात है कि ये सब राजा को खटका। व्यास को वापस लौटने पर प्रजामंडल की गतिविधियां शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के किले में कई लोगों के साथ उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलने लगा। व्यास और उनके साथियों को बचाव के लिए वकील तक नहीं मिले। 6 साल की सजा हुई, मगर जेल में 4 साल ही रहे, भागे नहीं कहीं। दरअसल गांधी और इरविन का समझौता हो गया था जिसके तहत सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाने थे, इसलिए व्यास भी बाहर आ गए। लेकिन व्यास और राजशाही की अदावत और व्यास का जेल जाना इसके बाद भी जारी रहा। ১৯৩৩ में जेल से रिहा होने के बाद व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का गठन किया। नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और खुद जयनारायण ने सचिव का काम संभाला। अब उनकी गतिविधियों का केंद्र जोधपुर की जगह मुंबई हो गया। यहीं पर उन्होंने अखंड भारत नाम का अखबार शुरू किया। क्रांति की बात पूरे देश में फैलने लगी, मगर पैसे चुकने लगे। जीवनीकारों के मुताबिक मुफलिसी का ये आलम था कि दिन में जो अखबार बेचते, रात में उसी के बचे हुए अंक बिछाकर जय नारायण व्यास समंदर किनारे सोते थे। कई बार पैसे कमाने के लिए उनके मन में फिल्मों में काम करने का ख्याल भी आया। लोग कहते हैं कि वो कमाल के नर्तक भी थे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। 2 साल बीते, अखबार बंद हो गया। उनका जोधपुर लौटने का मन किया, लेकिन एक पेच था। जोधपुर के उस वक्त के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड ने उनको राज्य बदर कर रखा था। व्यास फिर भी मुंबई से लौटने लगे ट्रेन के जरिए, मगर पुलिस ने उन्हें उतरने नहीं दिया। अजमेर के ब्यावर इलाके की तरफ रवाना कर दिया। 2 साल फिर यहीं बीते व्यास के। फिर बाप की तबीयत बहुत बिगड़ी तो राजशाही कुछ पिघली। जयनारायण को पिता की तबीयत के आधार पर, मानवीय आधार पर, जोधपुर वापसी की इजाज़त दे दी गई। वापसी के कुछ हफ्तों बाद उनके पिता गुजर गए, मगर व्यास नहीं गए, मारवाड़ लोक परिषद के काम में लग गए। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव करवाए। व्यास चुनाव लड़े और नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, सब पद बेकार, जेल यात्रा फिर चालू और प्रधानमंत्री डोनाल्ड से टसल भी। 1945 में जब राजनीतिक कैदी छूटे, देश की आज़ादी की बात चलने लगी, तभी व्यास ने डोनाल्ड की शिकायत करते हुए नेहरू को खत लिखा। इन सब के बारे में हम आपको वेंकटाचारी वाले मुख्यमंत्री के एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। अभी बस इतना रिकैप कर लें कि डोनाल्ड गए, फिर 2 साल बाद 1947 में राजा उम्मेद भी गुजर गए। उनके बेटे हनूत सिंह राजा बने जोधपुर के। शुरू के कुछ महीने नेहरू पटेल के प्रति वो अखड़ रहे और जाहिर है कि जोधपुर में उनके प्रतिनिधि जयनारायण के प्रति भी। मगर देश अब आज़ाद था, लोकप्रिय सरकार का समय था, राजा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जय नारायण व्यास 1948 में जोधपुर राज्य की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। पर यह सब एक बरस ही चला, क्योंकि 30 मार्च 1949 को इन सब रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बना दिया गया। व्यास को लगा कि नेहरू का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए इस नए बड़े राज्य के मुखिया भी वही बनेंगे। मगर नेहरू नेशनल अफेयर्स में बिजी थे और यहाँ उनकी नहीं पटेल की चली, और पटेल की पहली पसंद थे
जयपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री। इनकी कहानी हमने आपको मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले एपिसोड में विस्तार से सुनाई है। आप सोच रहे होंगे कम वक्त सुना रहा व्यास की कहानी और पिछले एपिसोड्स के प्लगइन कर रहा है। दरअसल हर एपिसोड में हर शख्स के बारे में और हर घटना के बारे में विस्तार से बताना मुमकिन नहीं, तभी तो ये पूरी सीरीज 38 एपिसोड में पसरी है। आगे बढ़ाते हैं किस्सा। जब तक पटेल रहे शास्त्री की हनक रही, लेकिन उनके निधन के बाद बगावत हो गई, संवैधानिक संकट भी हुआ। एक आईएएस वेंकटाचार्य को 3 महीने के लिए वर्किंग सीएम बनाना पड़ा और उसके बाद नेहरू ने इस कहानी के नायक जय नारायण व्यास को राजस्थान की गद्दी सौंप दी। छब्बीस अप्रैल 1951 को व्यास सीएम बने, मगर कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि 1951 के आखिर से देश के पहले चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई। ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस को बढ़त थी, मगर राजस्थान में मुकाबला जोरदार था। वजह, यहाँ के राजघराने खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। जागीरदार और राजा, जनसंघ, राम राज्य परिषद या फिर निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोके खड़े थे और इन सब का नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर के राजा हनुमंत उर्फ हनुत सिंह। चुनाव में व्यास 2 सीटों से लड़े, जालौर ए और जोधपुर बी। हनुत ने व्यास के लिए दोनों सीटों पर फील्डिंग सेट कर दी। जोधपुर से खुद जय नारायण के खिलाफ खड़े हुए और जालौर से जागीरदार माधव सिंह को लड़वाया। इसका नतीजा क्या रहा, हम आपको किस्से के शुरू में बता चुके हैं। व्यास सिटिंग सीएम दोनों जगहों से चुनाव हार गए। जो जीते उनका भी फसाना सुन लीजिए। हनुत सिंह 1952 के चुनाव में जोधपुर से लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए लड़े, दोनों जगह जीते, मगर वोटिंग होने के बाद और नतीजों से पहले ही उनका निधन हो गया पाकिस्तान सीमा के पास एक हवाई दुर्घटना में। कांग्रेस में तब जय नारायण व्यास का खेमा पूरी तरह हावी था। हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट जैसे नेता पहले ही हाशिए पर जा चुके थे। ऐसे में व्यास समर्थक उनके हारने के बावजूद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े थे, लेकिन तब नैतिकता इतनी भी नहीं गुजरी थी। व्यास पर्दे के पीछे चले गए कुछ वक्त के लिए। सीएम बने, पिछली सरकार में उनके डेप्यूटी रहे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने हिसाब से दांव चलने शुरू कर दिए। मंत्रिमंडल में व्यास और उनके खास संगठनकर्ता माणिकलाल वर्मा की नहीं चली। ये माणिकलाल, इनको याद रखिएगा, आगे के किस्से में ये लौटेंगे। जय नारायण व्यास टीकाराम के सब दांव देखते रहे, फिर अपनी चाल चली। किशनगढ़ से विधायक चांदमल मेहता ने इस्तीफा देते हुए जय नारायण व्यास को वहां से उपचुनाव लड़ने का न्योता दिया। व्यास लड़े और जीते। फिर आया दिल्ली से संकेत और टीकाराम पालीवाल ने व्यास के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। 1 नवंबर 1952 को जय नारायण व्यास फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। पालीवाल फिर से डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन ये शांति और पुनर्वास ऊपरी था। कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बाद पालीवाल पद छोड़ गए। अब जयपुर में व्यास और उनके खास मथुरादास माथुर और माणिकलाल वर्मा जैसे नेताओं की चलती थी। व्यास के सीएम बनने के 2 साल के अंदर ही विधायक बगावती मूड में आ गए। नेहरू का दम अब काम नहीं आ रहा था। बागी विधायक एक 38 साल के युवा विधायक मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे जुट गए। विरोध बढ़ा तो हाईकमान ने दखल दिया। विधायक दल की मीटिंग हुई और करीबी मुकाबले में व्यास हार गए। कैसे हार गए व्यास, 2 साल में अचानक क्या हो गया, सब बताऊंगा। पहले व्यास रचित ये कविता सुनिए। मैंने तो अपने हाथों से अपनी चिता जलाई, देख देख लपटे मैं हंसता हूं, तू क्यों रोता भाई। आपने माणिकलाल और मथुरादास का जिक्र सुना था, अब कुछ और जान लीजिए। माणिकलाल राजस्थान बनने से पहले मेवाड़ राज्य के मुख्यमंत्री थे और उदयपुर से सियासत करते थे। कुछ बरस तो वो व्यास के पीछे खड़े रहे, मगर फिर उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुलबुलाने लगी। अब उन्हें चाहिए था कोई जो अंतापुर के भेद जानता हो। एंटर मथुरादास, जोधपुर से आने वाला जय नारायण का खास, उनकी सरकार में मंत्री जिन पर उस दौर में भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। माणिकलाल और मथुरादास एक हो गए।
उन्होंने पहले निपटाया टीका राम को। जब टीका राम ने व्यास के लिए गद्दी छोड़ी तो जय नारायण ने उन्हें अपनी नई सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनाया। मगर माणिक्य और मथुरा को यह अखर गया। उन्हें यह भी बुरा लग रहा था कि जय नारायण अब रामकरण जोशी को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, वो भी उस सरकार में एक मंत्री थे। विवाद बढ़ने लगा। माणिक्य और मथुरा ने पहला वार किया। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस विधायकों के एक ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर दिया। व्यास ने पलटवार किया, 22 विपक्षी विधायकों को कांग्रेस में ले आए। अब तलवारें खुले में बाहर थीं। विधायकों ने मोहनलाल सुखाड़िया को अपना नेता प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। बार बार दिल्ली जाकर विधायकों के जत्थे शिकायत करने लगे। आज जाकर नेहरू ने दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलवंत राय मेहता को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा विधायकों की राय जानने के लिए, और यहीं पर वो वोटिंग हुई जिसमें व्यास हार गए। नतीजे सुनने के बाद हॉल से निकलते व्यास एक बार पलटे, देखा कल तक जो साथ थे अब वे पाले के उस पार जश्न मना रहे थे, माणिक्य लाल और मथुरा दास। मगर अभी करुणा का सार्वजनिक प्रदर्शन भौड़ा ही सही, कुछ बाकी था। व्यास बाहर आए तो सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे, तांगा मंगवाकर सरकारी आवास गए, खुद ही सामान अपना चादरों में बांधने लगे। तभी दरवाजे पर अर्दली आया और बोला, सुखाड़िया जी आए हैं, कांग्रेस विधायक दल के नए नेता यानी भविष्य के मुख्यमंत्री जय नारायण का आशीर्वाद लेने आए थे, और उनके साथ थे माणिक्य लाल और मथुरा दास। दोनों व्यास के पैर छू फूट फूट रोने लगे। व्यास को पता था सब तात्कालिक है, सब ऊपरी है। उन्होंने तांगे पर सामान लदवाया और दोस्त केसु जी के घर रहने चले गए। अब सूर्य अस्ताचल को था। जय नारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद बने, 2 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मगर सत्ता का केंद्र अब उनकी नजर से ओझल हो चुका था। जीवन भी ओझल हुआ मार्च 1963 में दिल्ली में। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में देखिए एक मास्टर की कहानी जो जज से भिड़ा और वकील बन गया, जिसकी नियति में डेप्टी होना लिखा था मगर फिर वही नियति पलटी तो वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार का पहला मुख्यमंत्री बना और सबसे आखिर में फिर मास्टर बन गया। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाइए, सियासत के बारे में भी अपने विचार बताइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लल्लनटॉप के चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो सोशल मीडिया से भी घंटों पहले लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्से देख पाएंगे। शुक्रिया।